चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की कात में अब कांग्रेस प्रदेश के 13 जिलों में आरसीपी यात्रा निकालेगी। इस यात्रा में केंद्र सरकार को वादा खिलाफी का आरोप लगाकर घेरा जाएगा। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम में कैंपेन कमेटी की पहली बैठक हुई। कमेटी चेयरमैन गोविंद मेघवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गहलोत, रंधावा, डोटासरा और सीपी जोशी सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक में तय किया गया है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का जवाब अब कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर देगी। इस माह ईआरसीपी प्रभावित 13 जिलों में कांग्रेस 5 दिन की यात्रा निकालेगी, जिसमें केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप जड़कर निशाना साधा जाएगा। कंसीडर करना, मैं तो ये डिसाइड करने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, टिकट मांगने का सबको हक है। अब फैसला किसके पक्ष में जाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तय बात है, जो जिसकी तकदीर में ठाकुर जी ने बनना लिख दिया तो फैसला तो सुदर्शन चक्र वाला ही करेगा ना। तो जब उसने किसी के लिख दिया है तो ठहर में क्या रोकाना बुदावे लो। लेकिन रंधावा जी तो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं तो रंधावा जी तो कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रभारी है, प्रभारी के पास तो बहुत पावर है। रंधावा साहब तो लीडर है, तो वो तो कह सकते हैं, वो जो कह रहे हैं उनकी बात में दम है। पेन कमेटी के तमाम मेंबरों को अभी गोविंद मेघवाल जी ने सबसे राय जानी है, एक रोड मैप बनाएंगे और हम जल्द ही एक दो दिन में हमारी कंपेनिंग को घोषणा करेंगे। मोटा मोटी जो ईआरसीपी 13 जिलों में है उसको लेकर के इसी माह में 5 दिन की यात्रा हम लोग निकालेंगे और मजबूर करेंगे कि नहर हमारा हक है लेके रहेंगे। और हमने जो पैसा दिया है, हमारी सरकार ने जो नहर के लिए पैसा दिया है,